हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनाकल केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन की। आपको पता होगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने ऑफिशियल श्रेणी की भर्ती परीक्षा के लिए बेसिकली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है, इसमें कौन कौन से पद हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं और बेसिकली इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ओवरऑल सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहले बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बेसिकली दो श्रेणी में भर्ती हो रही है, पहला है फॉरेक्स ऑफिसर और दूसरा है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर। यानी कि पहला फॉरेक्स डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, दूसरा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर रहेगा। तो दोनों के दोनों का जो ग्रेड रहेगा ग्रेड टू पे इनकी भर्ती होगी और जो इनका पे स्केल रहेगा ये पे स्केल अराउंड इनका रहेगा 45,000 के आसपास। दोनों की जो सैलरी रहेगी ये 45,000 के आसपास सैलरी इनके हाथ में बन के आएगी और पूरी की पूरी सैलरी के अलावा स्पेशल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस और अदर अलाउंस भी पेबल रहेंगे, जैसा कि ब्रांच की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल रहेगा। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो पूरे का पूरा फॉरेस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट आई है, इसमें कितनी पोस्ट आएगी, टोटल 50 पोस्ट आई है जो कि बढ़ भी सकती है। अपकमिंग डेज में ये 50 पोस्ट बढ़ भी सकती है, जिसमें यूआर कैटेगरी के जो लोग हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं इनके लिए 25 वैकेंसी रिजर्व करी गई है और इसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं इनके लिए कितनी वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है और इसके अलावा बेसिकली एसटी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और इसके अलावा अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज है। तो ओवरऑल मल्टीपल कैटेगरीज में डिफरेंट नंबर की वैकेंसीज आई हैं। तो एससी में 8, एसटी में 3 और इस तरीके से ओबीसी में 14 वैकेंसीज आई हैं सामने और यूआर कैटेगरी में 25 वैकेंसीज। तो ओवरऑल कितनी हो गई, 50 वैकेंसीज हो गई और इसमें फिजिकली हैंडीकैप कोटा भी है, तो जिसमें दोनों के कोटा का अकॉर्डिंग 2 वैकेंसी फिजिकली हैंडीकैप कोटा में रिजर्व की गई है। बात करते हैं इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर की, तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर वाली पोस्ट में भी 50 वैकेंसीज आई हैं टोटल, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी, यूआर कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी। तो ओवरऑल कितनी वैकेंसी हो गई, टोटल 50 वैकेंसीज आई हैं और इसमें भी फिजिकली हैंडीकैप कोटा में अगर बात करी जाए तो मतलब बेसिकली पीडब्ल्यूडी जो कोटा होता है इसमें 2 वैकेंसीज के लिए रिजर्व करी गई है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो पूरे का पूरा शेड्यूल ऑफ इवेंट्स क्या रहेगा, तो जो आपका पेमेंट यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरना स्टार्ट होना है कब से स्टार्ट होना है, 20/12/2017 से लेकर 13/1/2018 तक आप फॉर्म भर सकते हो। इस पूरे के पूरे फॉर्म भरने के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इसमें कोड नंबर 1 फॉरेक्स ऑफिसर जो रहेगा, फॉरेक्स ऑफिसर में जो मिनिमम एज है 32 साल और इसके अलावा जो मैक्सिमम एज है ये 32 साल, तो 23 साल से 32 साल तक के लोग इस चीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या जरूरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जरूरी है कि या तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो, और इसमें प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने एमबीए या पीजी करके रखा हो विद द बिजनेस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। यानी कि अगर आप एमबीए फाइनेंस हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और इसके अलावा यूजी पीजी वाले दोनों वैलिड हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो सकता है आपका। इसके अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क यानी कि क्वालिफिकेशन के अलावा इनको और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस की जिसकी जरूरत है कि आपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम किया हो और मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स यानी कि मिनिमम 2 साल तक आपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो जिसमें आपने फॉरेन ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस में काम किया हो, यानी कि फॉरेन ट्रेड का जो ऑपरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी काम करके रखा हो। इसके अलावा बात करें पोस्ट कोड नंबर 2 की, यानी कि जो बेसिकली इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट आई है, इसमें भी जो एज लिमिट सेटअप करी गई है कि 23 वर्ष से स्टार्ट है लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो 35 वर्ष तक गई है और यहाँ पे 23 वर्ष से 32 वर्ष तक एज गई है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या तो आपने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया हो या मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन किया हो या स्टैटिस्टिक में या फिर कॉमर्स में आपने स्पेशलाइजेशन किया करके रखा हो, लेकिन इंटरव्यू के टाइम प्रेफरेंस उनको ही दी जाएगी, मतलब मैक्सिमम जो प्रेफरेंस दी जाएगी उनको दी जाएगी जिन्होंने एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन द बिजनेस मैनेजमेंट करके रखा हो विद द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस के साथ फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के संग में ये पूरे का पूरा एमबीए की डिग्री करके रखी हो। इसके अलावा लिटरेसी इन द कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कि कंप्यूटर चलाना आता हो, कंप्यूटर में काम करना आता हो। इसके अलावा बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की, तो आपने ऑफिसर कैडर में या तो फ्रंट ऑफिस में काम किया हो या बैक ऑफिस में काम किया हो किसी भी बैंक की ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, यानी कि अगर आप ट्रेजरी में आप 2 साल तक काम कर चुके हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि ओवरऑल पोस्ट क्वालिफिकेशन ये वर्क एक्सपीरियंस ये मैंडेटरी है, यानी कि इतना वर्क एक्सपीरियंस आपके सामने होना चाहिए।
अगर मैं बात करूं ओवरऑल जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, किस किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, तो जैसे 35 साल तक की एज थी तो ओवरऑल जैसे 35 साल में जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको 5 साल का स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं इसमें 3 साल का स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है, और ओवरऑल जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लोग हैं इनको 10 साल का स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कोटा वाले लोग हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन, और जो मतलब बेसिकली 1980 से लेकर 1989 तक के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो 1984 से अफेक्टेड राइट्स में जो लोग अफेक्ट हुए उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। प्रोविजन पीरियड की बात करें, यानी कि एक बार अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो तो जॉब ज्वाइन करने के अगले 2 साल तक आपको काम करना जरूरी है, और अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो आपके ऊपर 2.5 लाख की पेनल्टी लगेगी, यानी कि आपको बेसिकली 2,50,000 का आपको एक चेक सबमिट करना पड़ेगा जिसमें आपको जरूरी है कि मिनिमम आप 3 साल तक काम करोगे, तो मतलब विद इन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपको 2 साल तक काम करना जरूरी है। इसके अलावा अगर पूरे ऑनलाइन टेस्ट प्रोसीजर की बात करी जाए तो ऑनलाइन टेस्ट प्रोसीजर होने वाला है 2 घंटे का, और बेसिकली 200 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे में, और 200 मल्टीपल क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा ये भी 200 मार्क्स का वेटेज रहेगा, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और इसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जहां से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, और इसके अलावा मतलब बेसिकली ग्रेजुएशन के अलावा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज, इसके अलावा इंग्लिश का पेपर होने वाला है। अल्टीमेटली 50-50-50 नंबर के चारों पेपर रहेंगे, और 50 नंबर का जो पेपर रहेगा इनिशियली जो पहला पेपर रहेगा रीजनिंग वाला, ये 25 मार्क्स कैरी करता है, जो दूसरा मैथ्स वाला पेपर रहेगा 50 मार्क्स कैरी करता है, इसके अलावा जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पेपर यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, उसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट यानी कि पर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स कैरी करता है। तो इस तरीके से 200 नंबर का ओवरऑल पेपर है जो कि आपको बायलिंगुअल अवेलेबल रहेगा, यानी कि इंग्लिश में भी आप पेपर दे सकते हो, हिंदी में भी पेपर दे सकते हो, और इसके अलावा सिर्फ इंग्लिश सेक्शन एक ऐसा सेक्शन रहेगा जिसको सिर्फ आप इंग्लिश में दे सकते हो। चलते हैं आगे, इस पूरे के पूरे रिटन राउंड के बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड का जो टोटल ओवरऑल वेटेज है ये मिनिमम जितना भी मान लीजिए 50 नंबर का अगर इंटरव्यू राउंड होता है तो उसमें आपको 25 नंबर लाना मिनिमम यानी कि अनिवार्य है, जिसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो मिनिमम आपको 22.5 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये पर्सनल राउंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। तो ओवरऑल इस तरीके से वैकेंसीज आई है, अगर आप चाहो तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज के हमारे जो बैचेस चल रहा है इसमें एमबीबीएससी बैंकिंग एसएससी और एसएससी के अलावा रेलवेज के अलावा व्यापम की बाकी सारी जितनी वैकेंसी सारी की सारी वैकेंसीज के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं, तो आप किसी भी ब्रांच में जाके ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली अभी जो टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है एमबीपीएससी के लिए और संविदा के लिए भी टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है, क्योंकि संविदा का जो एग्जामिनेशन होने वाला है जैसा कि हमें पता है कि जनवरी के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो संविदा के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है और एमबीपीएससी के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हो या इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9039055453। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग और एसएससी का ऑनलाइन मटेरियल परचेज करना चाहते हो तो आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हो pinnacle.edu.in, जिसमें हमारे यहाँ पैकेज अवेलेबल है जिसमें आप 249 के पैकेज पे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, जिसमें लगभग 150 प्लस टेस्ट रहेंगे, तो ये सिर्फ आपको 250 रुपीज के प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप इसको जाके 249 रुपीज के प्राइस पे हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको pinnacle.edu.in की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसमें आप बैंकिंग और एसएससी के पैकेज परचेज कर सकते हो। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में। और इसके अलावा एमबीपीएससी और संविदा की ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। स्टे ट्यून एंड टेक केयर।